की बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी के सभी 75 जिलों में निकायों का वार्ड आरक्षण जारी है। मेयर और चेयरमैन के लिए कल जारी होगा आरक्षण। आज बचे हुए 27 जिलों के निकायों में भी आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। एबीपी गंगा ने यह बताया था कि आज ही बचे हुए जिलों में निकायों के वार्ड का आरक्षण जारी हो जाएगा। दरअसल कल ही 48 जिलों के लिए आरक्षण जारी किया गया था। अब एक हफ्ते तक आपत्तियों पर जवाब मांगा जाएगा। तो कल दोपहर 3 बजे नगर विकास मंत्री AK शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज जिन जनपदों के निकायों के लिए वार्ड आरक्षण की सूची जारी की गई है, उनमें जनपद शामली, अंबेडकर नगर, आगरा, आजमगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रामपुर, ये वो तमाम जिले हैं, ललितपुर, सहारनपुर, सीतापुर, हरदोई, जहां की तस्वीर साफ हो गई है। और ये जो तस्वीर साफ हो रही है, ये इशारा कर रही है कि धीरे धीरे बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही है। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से ये पूरी सूचियां जारी हो रही हैं, निकायों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है, मतलब निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है, तैयारियां पूरी हैं, तारीखों का ऐलान बस होना है। देखिए, बिल्कुल जो बात यूपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई थी कि उत्तर प्रदेश में ये जो हम कहें जो आरक्षण का प्रस्ताव है या आरक्षण का जो फॉर्मूला है, वो 1 या 2 दिसंबर के आसपास जारी हो सकता है। तो कल आपने देखा 48 जो जिले हैं वहां के लिए वार्डों में क्या आरक्षण होगा, वो प्रारूप जारी हुआ। और आज जिस तरीके से जो 27 जिले बचे थे वहां पर भी आरक्षण का जो प्रस्ताव था वो जारी कर दिया गया। अब देखिए, पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि जब आरक्षण जारी किया गया है तो 1 हफ्ते आपत्तियों के लिए दिया जाता है। यानी अगर किसी को आपत्ति है कि उनके इस वार्ड को इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन यानी DM के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, वो अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे। उन आपत्तियों का जब निस्तारण हो जाएगा, तब राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 दिसंबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अभी देखिए, ये सब वार्ड के आरक्षण जारी हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो 763 स्थानीय निकाय हैं, उसमें जितने भी वार्ड हैं उनके ये आरक्षण को जारी कर दिया गया। कल ठीक है, नगर अनुभव, कुल मिलाकर एबीपी गंगा ने भी इस बात को बताया था कि आज ही जो बचे हुए निकाय हैं उनमें आरक्षण की प्रक्रिया जारी हो सकती है। खबर पर मुहर लग गई है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।